खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। जंगली जानवरों से जितना दूर रहें और उन्हें परेशान न करें उतना ही अच्छा है। लेकिन होते हैं कुछ लोग जो जानवरों संग वीडियो बनाने और शेखी बघाड़ने के चक्कर में उनसे पंगा मोल ले लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें वहीं भुगतना पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जानवरों से पंगा लेना ऐसे लोगों को कितना भारी पड़ सकता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानवरों को छेड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये क्लिप इस बात को साबित करती है। ये बंदा बेवजह इस बकरे को परेशान कर रहा था। बकरा भी उसे चेताने की खूब कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा समझने को ही तैयार नहीं। जिसके बाद आखिर में बकरे ने एक लंबा सा रन अप लिया और दौड़कर शख्स को ऐसी टक्कर मारी कि वो सीधा जमीन पर ढेर हो गया। कुछ ऐसा ही इस भैया जी के साथ भी हुआ, जो भैंस को बार बार लाल कपड़ा दिखा रहा था। लाल कपड़ा देखते ही भैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उस बंदे के पीछे ऐसी भागी कि भैया जी की पैंट ही गीली हो गई। भगा भगा कर ऐसा हाल किया कि बंदा सात जन्मों तक नहीं भूलेगा। नदी किनारे लेटे इस मगरमच्छ को नकली मगरमच्छ के भेष में ये बंदा छेड़ने लगा। वो कभी उसे थपकी देता तो कभी उसकी टांग खींचता। हालांकि उसकी छेड़कानी से मगरमच्छ परेशान हो रहा था, लेकिन उसे असली मगरमच्छ समझकर माफ किए जा रहा था। जरा सोचिए, अगर इस क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता तो न जाने इस बंदे को क्या सूझी, जो आराम फरमा रहे इस खतरनाक मगरमच्छ के पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। इसके बाद मगरमच्छ उसकी तरफ ऐसे झपटा कि नानी याद आ गई और ले पंगा मगरमच्छ से। यहाँ ये लड़की पिंजरे के पास बैठकर सेल्फी ले रही है, तभी एक भालू पिंजरे से ही पंजे से उसकी टी शर्ट खींचने लगता है, जिसके बाद मारे डर के लड़की की हालत ही खराब हो जाती है। वो तो भला हो इस शख्स का जिसने फौरन लड़की को दूसरी तरफ खींच लिया, नहीं तो सेल्फी वाली ये फोटो कल के अखबार में ही छपती। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि जानवरों से डिस्टेंस बनाकर रखें, उनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, जैसा कि इन शरारती लड़कों को पड़ गया। हाथियों के झुंड को देखकर ये उन्हें डंडे से भगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक हाथी उतर गया और लड़कों के पीछे भागने लगा। इस विशालकाय हाथी को देखकर ये लोग सड़क पर ही सेल्फीज लेने लगे। ये स्कूटी सवार तो हाथी के इतना करीब स्कूटी रोककर खड़ा हो गया कि गजराज का माथा ठनका तो उसे भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। वो तो गनीमत रही कि हाथी ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। फुटपाथ पर चल रहे इस खुरापाती लड़के को पता नहीं क्या सूझी कि पास से जा रहे कुत्ते को लात मारने लगा। जैसे ही वो लात मारता है, कुत्ता वहां से हट जाता है और वो बंदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। और ले कुत्ते से पंगा, इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। ये बॉडी बिल्डर तो बकरे से ही भिड़ गया। बकरा भी कहां कम था, दोनों ने आपस में सिर लड़ाकर एक दूसरे को गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ देर जोर आजमाइश के बाद शख्स को समझ आ गया कि बकरे को ताकत में नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो हार मानकर वहां से चला गया। यहाँ इस सांड का गुस्सा शांत करने के लिए एक आदमी ने उसे खंबे से बांध दिया, लेकिन उसका ये दाव उसी पर भारी पड़ गया, जिसके बाद उस बंदे को उसी खंबे पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। ये सांड भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला था, वो खंबे के नीचे खड़ा होकर उस आदमी के उतरने का इंतजार करने लगा। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। वैसे तो भैंसे स्वभाव से शांत होती है, लेकिन जब कोई उनसे पंगा ले ले तो नतीजा कुछ ऐसा होता है। इस बंदे ने जानवरों को आखिर क्या कह दिया कि पूरा झुंड ही इसके पीछे हो गया। इस बंदे ने गिरते पड़ते और फिर डूबते तैरते हुए अपनी जान बचाई।
ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रहेगा। ये लड़की इतराती हुई बलखाती हुई वीडियो शूट करा रही थी। हालांकि इसने पंगा तो नहीं लिया, लेकिन इस बंदर को वीडियो में शामिल करना चाह रही थी। इतने भर से ही बंदर बिफर गया और लड़की पर झपट पड़ा। इसी तरह यह लड़की भी जंजीर से बंधे बंदर को फ्रेम में कैद कर लेना चाह रही थी, लेकिन इसका जीभ निकालकर फोटो खिंचवाना बंदर को इतना नागवार गुजरा कि वो कूद कर महिला के गोरे गोरे गालों पर एक झापड़ रसीद कर देता है। इस बंदर ने तो हद ही कर दी, सेल्फी ले रही इस महिला से मोबाइल ही छीन लिया। अब महिला ने लाख जतन कर लिए, लेकिन बंदर मोबाइल देने को तैयार ही नहीं हुआ। महिला उसे खाने का सामान ऑफर करती है, मगर फिर भी बंदर नहीं मानता। फिर महिला बैग में रखे हुए फल उसे ऑफर करती है, जिसके बाद वो महिला को मोबाइल लौटा देता है। एमपी के देवास का ये वीडियो चौंकाने वाला है, जहां इस तेंदुए के आसपास लोगों की भीड़ जमा है। दरअसल इन लोगों ने इसे भगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तेंदुआ अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, जिसके बाद गांव वालों की हिम्मत बढ़ती गई और वो इसके साथ सेल्फी लेने लगे। ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। खतरनाक तेंदुए के साथ गांव वालों का ये वीडियो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था। खैर, वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि तेंदुआ बीमार था और उसे इलाज की जरूरत थी। इसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई जानवर अगर लाचारी की हालत में दिखे तो उसकी मदद करने की कोशिश करें, न कि उन्हें परेशान करें। तुर्की के एक रेस्टोरेंट के सिरफिरे कर्मचारी ने इस पक्षी से पंगा लिया तो लेने के देने पड़ गए। ये कर्मचारी उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगा तो गुस्साए पक्षी ने उसकी जीभ पर इतना जोर से काटा कि नानी याद आ गई। ये देखकर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। अपना पोपट करवाने के बाद बंदा वहां से चलता बना। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया के सभी चिड़ियाघरों में ये चेतावनी लिखी होती है कि कृपया जानवरों के पिंजरों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। इसके बावजूद कुछ बेवकूफ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस सनकी इंसान ने किया, जो पांडे के बाड़े में घुसकर उसे परेशान करने लगा। भला पांडा को उसकी शरारत कब रास आती। उसने फौरन उस लड़के को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद लड़का जितना छुड़ाने की कोशिश करता, पांडा उसे उतने ही कसकर पकड़ लेता। खैर, काफी मशक्कत के बाद वो लड़का पांडे की गिरफ्त से छूटने में कामयाब हो ही गया। अब ये जिंदगी में कभी भी जानवरों से पंगा नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि जानवरों से पंगा लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।